हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मैं हूं गोल्डी और स्वागत है आपका मेरे चैनल गोल्ड टेक में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडमी नोट 5 प्रो के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि रेडमी के जो फोन्स होते हैं वो कुछ ही सेकंड्स में स्टॉक आउट हो जाते हैं, तो आप खरीदना चाहते हैं इसको कुछ ही सेकंड्स के अंदर, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा उन लाखों लोगों को जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। हमारी जो रेडमी नोट 4 की ट्रिक की वीडियो थी, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो लाखों लोगों ने देखा और लाखों लोगों ने उसको बड़े ही आसानी से अपने मोबाइल से, अपने डेस्कटॉप से, फ्लिपकार्ट, MI.com सबसे खरीदा। तो यहाँ पे मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए Redmi Note 5 की ट्रिक लेके। ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। हमारी इसकी 2-3 वीडियो और आएंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से विद प्रूफ मैंने MI.com से 22 तारीख को Redmi Note 5 या 5 Pro को खरीदा। इसके बाद MI.com से आप कैसे खरीद सकते हो उसकी भी वीडियो आएगी, और मोबाइल की हेल्प से आप ट्रिक को यूज करके किस तरीके से Redmi Note 5 को ऑर्डर कर सकते हैं उसकी भी वीडियो आएगी। तो मेक श्योर रहे कि आपने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे रेड बटन को प्रेस कर दीजिए, पास में ही आपको बेल आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, इससे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको मिस नहीं होगा। एंड आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना नहीं भूले, जहाँ पे मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको ट्रिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहां पे मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस ट्रिक को बताने से पहले मैं आपको तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। आपको तीन चीज़ों की प्री प्रिपरेशन करके रखनी होगी। ये जो प्रोसेस है आप कभी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो वो है टाइम को सिंक्रोनाइज्ड करना पड़ेगा हमें। ये जो टाइम है आपका लैपटॉप का, वो फ्लिपकार्ट के सर्वर के साथ मैच करना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं टाइम को सिंक्रोनाइज्ड कर लेते हैं। कैसे करना है उसके लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना होगा, अगर आपके पास विंडो 10 है तो। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एड क्लॉक्स फॉर डिफरेंट टाइम जोन्स, इस पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आपके पास इंटरनेट टाइम का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे चेंज सेटिंग। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट नाउ का ऑप्शन आएगा, आपको time.windows.com सेलेक्ट करके अपडेट कर देना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं योर द क्लॉक वॉज सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज्ड, इसको ओके कर देना है। अगर आपके पास विंडोज 7 है उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। विंडोज 7 के लिए आप या तो मेरी पुरानी Redmi Note 4 ट्रिक की वीडियो देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे बता दूँ, सिंपली आप टाइम का आइकॉन जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद वही विंडो ओपन हो जाएगी जैसे कि अभी मैंने ओपन की थी। दोस्तों, सेकेंड जो स्टेप है उसमें आपको करना क्या होगा, फ्लिपकार्ट का एड्रेस सेव करना होगा। अगर आपको पता है कि किस तरीके से फ्लिपकार्ट का एड्रेस सेव करते हैं तो वो आप स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, और नहीं पता तो इस पार्ट को देखते रहिए। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले फ्लिपकार्ट में लॉगिन करना होगा, उसके लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। देन आप देखेंगे यहाँ पे शुभम ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे माई प्रोफाइल में जाना होगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मैनेज एड्रेस, इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे ऐड एड्रेस का ऑप्शन आएगा, ये पूरी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सेव करना होगा। और ऑप्शन आएगा एक टू मेक इट डिफ़ॉल्ट, इसको आपको डिफ़ॉल्ट सेव करना होगा। ये आप ध्यान में रखें, ये आप कभी भी कर सकते हैं, सेल के 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, या अभी भी कर सकते हैं इसको। दोस्तों, अगली जो स्टेप है उसमें हम करेंगे एक्सटेंशन को डाउनलोड। उसके लिए आपको करना क्या होगा, जिस वीडियो को आप अभी देख रहे हैं उसके जाना होगा आपको डिस्क्रिप्शन में। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक हेयर टू डाउनलोड एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करना है आपको, तो एक अलग विंडो खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे सामने विंडो आ चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये Redmi Note 5 ट्रिक के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐड टू क्रोम, इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिए, और कुछ ही सेकंड्स में ये इंस्टॉल हो जाएगी एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आपके सामने एक पेज खुल के आएगा, इसको क्रॉस कर दीजिए। देन आप देखेंगे कि राइट साइड में आपके पास एक विंडो नज़र आई है, एक आइकॉन नज़र आएगा फ्लिप शॉप जिस पर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो एक्सटेंशन था वो इंस्टॉल हो गया है। कभी कभी एक्सटेंशन वर्क नहीं करता है तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें मोर टूल्स में जाके, एक्सटेंशन में जाके आपको इसको डिलीट कर देना है, देन दोबारा से डाउनलोड करना है, तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि आपको किस तरीके से इस ट्रिक को यूज़ करना है। आपको लगभग 15 से 20 मिनट पहले अपना लैपटॉप ओपन करना है, देन आप देखेंगे कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके आपको डिस्क्रिप्शन में आना है। तो चलिए हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन में। आप बस वही करते रहिए जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपका जो ऑर्डर है वो 100% प्लेस्ड हो जाएगा बड़ी आसानी से।
ये जो मेथड है वो 100% वेरीफाइड है। रेडमी नोट 4, रेडमी 4A, रेडमी 4 सब में यूज़ किया जा चुका है। उसी तरीके की बिल्कुल सेम सेल हो रही है फ्लिपकार्ट पे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है वो वेरिएंट अवेलेबल नहीं होता है जो आप ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कि रेडमी नोट 5A प्रो का जो 6GB वाला वर्जन है वो अवेलेबल नहीं है। आप ट्राई करते रहेंगे तो वो आपको मिलेगा भी नहीं क्योंकि अवेलेबल नहीं है, या फिर दूसरा कलर रोज़ गोल्ड या फिर ब्लू कलर आप ट्राई करते रहेंगे तो वो आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे जो लिंक है वो अपडेटेड रहती हैं, तो आपको जो ख़रीदना है वही मिलेगा। और तो चलिए हम चलते हैं, रेडमी नोट 5 प्रो ख़रीदना है मुझे सपोज़ कीजिए, तो आपको इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक फ्लिपकार्ट का पेज ओपन होके आएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या होगा, आपके पास एक राइट साइड कॉर्नर में फ्लिप शॉप का आइकॉन होगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप फ्लैश सेल देखेंगे, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको करना क्या होगा, आप देखेंगे रेडमी नोट 5 के लिए है, नॉट रेडमी नोट 5 प्रो के लिए। हमने रेडमी नोट 5 प्रो खोला है तो हमको थोड़ा सा और नीचे जाना है। अब आप देखेंगे ये सेल फ्लिपकार्ट हो रही है और आपको ब्लैक, हमने गोल्ड खोल रखा है तो आपको गोल्ड पे ही क्लिक करना है, आप गलत क्लिक नहीं कीजिए। और आप एक टाइम पे एक ही क्लिक कीजिए, दो क्लिक करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको ही। तो आपको रेडमी नोट 5 प्रो गोल्ड पे क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पेज रिफ्रेश होगा और आपके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा इस तरीके का। अभी सेल स्टार्ट नहीं हुई है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन आएगा, आपके पास कलरफुल स्टेप का पॉपअप खुल के आएगा जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे राइट अप लोअर कॉर्नर में। तो जैसे ही टाइम होने वाला होगा, एक या दो मिनट बचे होंगे, तो इस पॉपअप का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे रिफ्रेश होता रहेगा, रिफ्रेश होना स्टार्ट हो जाएगा पेज। उसके बाद आपके पास यहाँ पे अपने आप बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर अपने आप क्लिक हो जाएगा और आपको ये डिलीवरी वाले पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको एड्रेस भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप एड्रेस पहले से ही सिलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद आपको करना क्या होगा, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा एक कैप्चा कोड, उस कोड को डालने के बाद ओके करना है और आपका ऑर्डर आसानी से प्लेस हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए इसको अभी के अभी, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मैं आपके लिए रेडमी नोट 5 जो प्रो है उस या फिर रेडमी नोट 5 के लिए MI की वीडियो भी लेके आऊँगा, तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करके रखा है। और इस ट्रिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे FB पर मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं हर जगह इसका रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में।